नमस्कार दोस्तों, इनवारो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो सोलर पॉन्ड से रिलेटेड है। सोलर एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पे बहुत आजकल क्वेश्चन आते हैं। सोलर एनर्जी जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें इंडिया जैसी सिचुएशन में एक काफ़ी पॉपुलर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। यहाँ पे सनशाइन टाइम बहुत अच्छा है, इसलिए हम अगर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने की, उनको यूटिलाइज़ करें तो हम काफ़ी अच्छे से अपनी जो एनर्जी की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। तो सोलर पॉन्ड में जब हम एनर्जी स्टोर करने की बात करते हैं तो सोलर थर्मल एनर्जी को हम एक सोल्ट ग्रेडियंट बना के स्टोर करते हैं। हायर कंसंट्रेशन का जो लेयर होता है, हायर कंसंट्रेशन का जो आपका सॉल्यूशन होता है, पानी होता है, उसमें हीट जो है काफ़ी देर तक ट्रैप रहती है, बहुत देर तक जो है हीट उसमें बनी रहती है। इसीलिए जो है डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन का जो है हम उसमें वाटर का एक लेयर आप कह सकते हैं बन जाती है, जिससे ग्रेडियंट बन जाता है। एक हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला, एक लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला, इस प्रकार से हम हीट को ट्रैप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर। तो अगर हम अपर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो ओजोन के बनने और बिगड़ने में बेसिकली सोलर रेडिएशन तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नोक्स जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है और इस प्रकार से वहाँ पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है और वहाँ पे नोक्स बना देता है, स्ट्रेटोस्फेरिक नोक्स बना देता है। एंड क्लोरीन तो आप सभी लोगों को पता ही है, CFC मेन जो है रिस्पॉन्सिबल है, कल्प्रिट है इसका। तो ये तीनों जो हैं आपके A, B एंड D, ओनली ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। प्राइमरी एरोसोल इन एटमॉस्फेयर, सी सॉल्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी ब्लैक कार्बन, ये भी सही है। और मिनरल पार्टिकल ई, ये भी सही है। तो A, B एंड E ओनली ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सल्फेट और नाइट्रेट जो है ये प्राइमरी एरोसोल नहीं है, सेकेंडरी एरोसोल है। लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, पिछले कुछ लेक्चर में भी आप लोगों ने DO पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे, तो जब भी DO की हम बात करते हैं तो DO कम होता है। इसके पीछे की वजह है कि हमारे पानी में ऑक्सीजन कंज्यूमिंग मटेरियल जो है, यानी कि ऑक्सीजन डिमांडिंग आप कहिए, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल आप कहिए, जब ज़्यादा हो जाता है तो आपके वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसमें अगर हम देखें तो सीवेज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम अपने पानी के सोर्सेज में सीवेज ऐड कर देते हैं, सीवेज जो को डंप कर देते हैं, तो सीवेज में मौजूद बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करते हैं तो वो बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं और इस प्रकार से DO जो है वो कम हो जाती है। जब पानी की DO कम होती है तो DO में मौजूद जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज है, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि सभी जो है एरोबिक हैं। और अगर आपके पानी का DO जो है 5 mg पर लीटर से कम चला जाता है तो फिशेज़ का सर्वाइवल जो है कम हो जाता है। एंड इसके साथ साथ पानी में का जो है टेस्ट एंड ख़राब हो जाता है एंड उसमें से स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो B, E एंड E ओनली ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विंड फार्म्स, बड़े बड़े विंड फार्म्स बनाए जाते हैं जिससे कि बेसिकली लार्ज अमाउंट में हम अपनी विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये आपके लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ विंड जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़े एक पार्क में आपके ये फार्म में बहुत सारे विंड मिल लगा दिए जाते हैं जिससे कि कंसंट्रेशन जो आपकी ये कहिए कि अधिक मात्रा में बिजली पैदा की जा सके एक जगह पे। अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दिए गए हैं, एक में पोल्यूशन सोर्सेज और दूसरे में कैटेगरी। अगर हम ध्यान से इनको
मैच करें। तो सबसे पहले हम मैच करेंगे सीवेज को। सीवेज में जैसे कि हम बार बार बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है, तो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट ए में आ जाएगा सी। इसी प्रकार से बी फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट न्यूट्रेंट, लैंड इरोजन, सेडिमेंट एंड आपका पावर प्लांट जो है वो थर्मल पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं अगर हम इनको ध्यान से देखें तो अलास्का एंड वेस्टर्न कनाडा, ईस्टर्न रशिया, एवरेज टेम्परेचर हैव इंक्रीज बाई ओवर बाई 4 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर। ये कथन बिल्कुल सही है। एंड इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल रीजन है वो वार्म्ड मच फास्टर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, ये कथन जो है आपका सही नहीं है। बस मैं पिछली बार भी आपको बताया था कि जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर है, इसलिए जो है वहाँ पे ये महसूस होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलिमंजारो हैज़ लॉस्ट 85% ऑफ इट्स फेमस आइस कैप सिंस 1915। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। एंड जो ओवरऑल हम अपना ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर देखते हैं वो 0.6 डिग्री बढ़ चुका है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ए सी एंड डी ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी जो है ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर बी ए सी एंड डी ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है असर्शन रीजन पे बेस्ड है और नेचुरल डिजास्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। और असर्शन दिया गया है मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज बोथ सीवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जैसे कि हम जो है रिवर के कोर्स को चेंज कर देते हैं, रिवर के कोर्स एरिया में एग्रीकल्चर कर देते हैं एंड इसके अलावा वाटर के का जो नेचुरल फ्लो है उसको ध्यान में नहीं रखते हुए हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लैंड यूज़ पैटर्न हमारा ख़राब है, अब फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से फ्लड का फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी दोनों इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। रीज़न जो दिया है पाउड रोड एंड पार्किंग लॉट्स इंक्रीज वाटर इन्फिल्ट्रेशन इन टू द सोयल एंड स्लो डाउन द रेट ऑफ रन ऑफ इन स्ट्रीम एंड लेक। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उल्टा इन्होंने कहा है एक्चुअली कि पार्किंग लॉट्स एंड ऑल की वजह से इन्फिल्ट्रेशन रेट और कम होगा, ये बढ़ाएगा नहीं। क्योंकि तो जितने भी इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने कंक्रीट जहाँ पे यूज़ किया या जब सीमेंटेड जहाँ पे चीज़ हमने कर दिया वहाँ पे तो इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, तो रीज़न यहाँ पे गलत हो जाता है। असर्शन हमारा सही है, तो ए इज़ ट्रू बट ऑल इज़ फॉल्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है लॉस एंड डिमांड फंडिंग इन द कंटेस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वाज एग्रीड अपॉन बाय विच इंटरनेशनल कम्युनिटी एट COP 27। बहुत सारी कॉप जो हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ इनकी मीटिंग होती है, इनमें बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। UNFCCC के बाद से लगातार जो है इनमें जो आपका ये मीटिंग होती आई हैं, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स को देखते हैं कि कौन सा जो कंट्री है वो अपने टारगेट को अचीव कर पाया कि नहीं कर पाया। अलग अलग से टारगेट सेट किए जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं इसमें रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। आई होप कॉप्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, UPSC में भी आते रहते हैं। कॉप्स पे जो है अभी जो है जो रिसेंट में कॉप हुआ है कहाँ हुआ है, ठीक है, ये आप थोड़ा सर्च करेंगे और सर्च करके हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि अभी रिसेंट में इस ईयर में जो है कॉप्स कौन सा कॉप मीटिंग हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है। तो बच्चों हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ होगी।
ये PDF हमेशा की तरह हमने आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी तक हमसे एसोसिएट नहीं हो पाया है किसी कारणवश, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मेंशन है, उस नंबर पे अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, नवारो अकेडमी के नंबर को सेव कर लेंगे तो आपको हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा लेंगे। वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी हमारे कोर्सेज के बारे में एंड इस प्रकार के छोटे छोटे जो है नोट्स आपको हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, करंट अफेयर एंड जॉब अपडेट्स जो है उसमें मिलता रहता है। स्पेसिफिकली तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का फ़ायदा ये है कि सभी बच्चों को जो सीरियसली GRF की तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल जाता है कि नवारो अकेडमी के नए कोर्सेज कब लॉन्च हो रहे हैं, और इस प्रकार से सीट फुल होने से पहले ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू।